जय श्री कृष्णा। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए आपको एक नया चैप्टर पढ़ाऊंगा। बिल्कुल ही नया चैप्टर है, ये नए टाइप का चैप्टर है जिसे हम लोग सर्कुलर मोशन के नाम से जानते हैं। अगर आप बात करें एग्जाम में इम्पोर्टेंस की बात करें तो एग्जाम में इम्पोर्टेंस इसका अच्छा खासा है। अच्छा खासा इस सेंस में है कि डायरेक्ट क्वेश्चन तो इससे हर साल, मतलब हर दो साल में एक ही आता है, लेकिन सर्कुलर मोशन का इस्तेमाल बहुत होता है। पूरा का पूरा जो रोटेशनल मोशन है जिसे हम लोग रिजिड बॉडी डायनेमिक्स कहते हैं, पूरा पूरा उसमें सर्कुलर मोशन होता है। उसके अलावा मैग्नेटिज्म में भी ऐसे केसेस आते हैं जहां पर सर्कुलर मोशन का यूज होता है। उसके अलावा ग्रेविटेशन में सर्कुलर, मतलब कई जगहों पर इसका एप्लीकेशन होता है। तो इस लिहाज से ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट सवाल भी इसके ऊपर आते रहते हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट सवाल नहीं आते हैं, लेकिन एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है इसका। ठीक है, तो हमको सर्कुलर मोशन जो है वो एप्लीकेशन के हिसाब से भी सीखना है, और डायरेक्ट इस पे जो सवाल आते हैं वो तो आते ही रहते हैं, वो तो सीखना ही है। सर्कुलर मोशन क्या होता है, सबसे पहले मैं ये बात करूं। तो जैसे मैं बच्चों से जब पूछता हूं कि भाई सर्कुलर मोशन क्या होता है, बच्चे आमतौर पर जो बताते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, फिर उसको अपने हिसाब से बता रहा हूं। बच्चे ये कहते हैं कि किसी भी पॉइंट से अगर किसी पार्टिकल की डिस्टेंस हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है तो वो सर्कुलर मोशन है। इस बात के अंदर हल्की सी कमी ये है कि अगर डिस्टेंस किसी भी पॉइंट से कॉन्स्टेंट रहेगी तो वो स्फीयर भी हो सकता है, क्योंकि स्फीयर में भी तो किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस कांस्टेंट रहती है ना, जबकि स्फीयर और सर्कुलर में डिफरेंस है। तो सर्कुलर मोशन भी एक ऐसा मोशन होता है जिसके अंदर मोशन एक प्लेन में होता है, एक समतल में या एक तल में होता है, और गिवन पॉइंट से, किसी भी गिवन पॉइंट से उसकी डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहती है। पार्टिकल इस तरह से मूव करता है कि किसी भी गिवन पॉइंट से उसकी डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में अंदर जो है वह इसको नोट कर सकते हैं, इन दिस टाइप ऑफ मोशन, इन दिस टाइप ऑफ मोशन दिस टाइप ऑफ मोशन द पार्टिकल मूव्स इन ए प्लेन, पार्टिकल मूव्स इन ए प्लेन सच दैट, पार्टिकल मूव्स इन ए प्लेन सच दैट its distance from a given point, in this type of motion the particle moves in a plane such that its distance from a given point remains constant. This type of motion, the particle moves in a plane such that its distance from a given point is constant. अगर particle इस तरह से move करता है कि उसकी किसी given point से जो distance होती है वो constant रहती है, तो इस तरह के motion को हम लोग circular motion के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब जो सर्कुलर मोशन होता है इसके नेचर में बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। अपने आसपास देखोगे तो एग्जाम्पल है। कहाँ एग्जाम्पल होते हैं सोचो भाई, आप तो ये कह सकते हो कि नेचर का जो फेवरेट मोशन है वो सर्कुलर मोशन है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो प्रोटॉन के चारों ओर चक्कर काटता है ना, सर्कुलर ऑर्बिट में हम मानते हैं। वैसे तो एक्चुअल में तो थोड़ी इलिप्टिकल ऑर्बिट होती है, लेकिन लगभग सर्कल जैसा ही होता है। या धरती जो है अपनी एक्सिस के अबाउट घूमती है, तो धरती का हर पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है। धरती सूरज के चारों ओर सर्कुलर मोशन में ऑलमोस्ट सर्कुलर होता है, वैसे तो इलिप्टिकल होता है, सही बात यह है। तो धरती सूरज के चारों ओर चक्कर काटती है, ये भी एक तरह से सर्कुलर मोशन हो गया। इस तरह से बहुत सारे मोशन अपने आसपास आप देखोगे, जैसे कोई जानवर है खूंटे से बंधा हुआ है और जानवर के ऊपर छड़ी से एक दो बार मार दो तो जानवर भागेगा, तो खूंटे से बंधा है तो सर्कल में ही घूमेगा, इधर से उधर उधर से उधर भागेगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल अपने आसपास, रेसिंग ट्रैक्स होते हैं जिनमें कार चलती है रेसिंग ट्रैक्स, जैसे सर्कल में कार घूमती है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल अपने आसपास मिलेंगे जहां पर हम लोग सर्कुलर मोशन को समझेंगे। तो सर्कुलर मोशन बेसिकली एक ऐसा मोशन है जिसमें पार्टिकल एक प्लेन में मूव करता है और किसी गिवन पॉइंट से उसकी डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो अब जो सर्कुलर मोशन है, इस सर्कुलर मोशन के अंदर अगर आप देखें तो पार्टिकल, मैं एक्स वाई एक्सिस बना दे रहा हूं, पार्टिकल चलता है यहां से, मान लीजिए यहां से चालू किया, घूम के फिर यहीं आ गया, फिर यहीं आ गया, फिर यहीं आ गया, तो उसी पॉइंट के आसपास ये बार बार आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है। तो यहां पर जो पार्टिकल है
जैसे हम लोग जब रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ा था हमने या काइनेमेटिक्स पढ़ा था, तो वहां पर हमने बहुत सारे टर्म्स डिफाइन किए थे ना, पोजीशन डिफाइन किया था, डिस्प्लेसमेंट डिफाइन किया था, वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन। तो उसी तरह से चूंकि पार्टिकल घूम घूम के बार बार वहीं आ रहा है, तो घूम घूम के अगर बार बार वहीं आ रहा है तो इसका मतलब कि जो एंगल घूम रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए एक चक्कर काटा तो 2π घूमा, फिर 2 चक्कर काटा तो 4π, फिर 3 चक्कर काटा तो 6π। तो एंगल का बड़ा महत्व होता है। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग बहुत सारी टर्म्स डिफाइन करेंगे जिसमें हम लोग एंगुलर वर्ड इस्तेमाल करेंगे। जैसे वहां पोजीशन डिफाइन हुआ था तो यहां एंगुलर पोजीशन हम डिफाइन करेंगे, वहां पे डिफाइन हुआ था आपका वेलोसिटी तो यहां पे एंगुलर वेलोसिटी, वहां पे डिस्प्लेसमेंट डिफाइन किया था तो यहां एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वहां पे एक्सेलरेशन तो यहां पे एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अब इस सर्कुलर मोशन को जब हमको समझना है तो इसको समझने के लिए, एनालिसिस करने के लिए बहुत सारे टर्म्स हम डिफाइन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम यहां पर डिफाइन करेंगे एंगुलर पोजिशन। एंगुलर पोजिशन इसको हम दिखाते हैं थीटा से, एंगुलर पोजीशन को थीटा से दिखाते हैं। और जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल है वो यहां पर है, ये ओरिजिन है और ये एक रेफरेंस लाइन है। रेफरेंस लाइन का मतलब इस लाइन के साथ एंगल मेजर किया जाता है। आमतौर पे ये रेफरेंस लाइन एक्स एक्सिस हो सकती है, लेकिन ये आपको जो भी बता देंगे वही रेफरेंस लाइन होगी। तो ये रेफरेंस लाइन है और ये पार्टिकल का पोजिशन वेक्टर है आर। तो पोजीशन वेक्टर के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। पोजीशन वेक्टर जो होता है ओरिजिन से उस पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर होता है। तो पोजीशन वेक्टर और रेफरेंस लाइन के बीच का जो एंगल है, पोजीशन वेक्टर और रेफरेंस लाइन के बीच का जो एंगल है, उस एंगल को हम लोग एंगुलर पोजीशन कहते हैं। ठीक है, तो लिखें द एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड रेफरेंस लाइन इज कॉल्ड एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन, एंगल बिटवीन पोजिशन वेक्टर एंड रेफरेंस लाइन इज कॉल्ड एंगुलर पोजिशन। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड यूनिट इज रेडियन। इसका यूनिट जो है वो रेडियन है, स्केलर क्वांटिटी है और इसका जो यूनिट है वो रेडियन। तो यहां पर एक टर्म आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये लोग दो तरह से डिफाइन करते हैं, कि स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है और एक फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। तो स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है उसको हम वेक्टर डी थीटा से दिखाते हैं और इसकी डेफिनेशन ये है, एंगल स्वेप्ट बाय द पोजिशन वेक्टर, एंगल स्वेप्ट बाय द पोजिशन वेक्टर। स्मॉल टाइम इंटरवल, स्मॉल टाइम इंटरवल, एंगल स्वेप्ट बाय द पोजिशन वेक्टर इन स्मॉल टाइम इंटरवल इज कॉल्ड स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कहीं जैसे मैंने एंगल स्वेप्ट बोल दिया, स्वेप्ट का मतलब इसे झाड़ू लगाते ना, ऐसे झाड़ू गिरा दी। यहां पे ये भी बोल सकते हैं द एंगल रोटेटेड बाय द पोजीशन वेक्टर इन स्मॉल टाइम इंटरवल। स्वेप्ट थोड़ा फील दिलाने के हिसाब से मैंने बोला है और कोई मतलब नहीं है। द एंगल स्वेप्ट बाय द पोजीशन वेक्टर इन स्मॉल टाइम इंटरवल इज कॉल्ड स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। द एंगल स्वेप्ट बाय द पोजीशन वेक्टर इन स्मॉल टाइम इंटरवल इज कॉल्ड स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, स्मॉल टाइम इंटरवल में जितना एंगल वे स्वीप आउट करेगा उसी को हम लोग स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये जो स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इसमें मैंने वेक्टर डी थीटा लगा दिया। तो वेक्टर डी थीटा लगाते ही आपको सोचा भी होगा आपने कि भाई अगर वेक्टर हमने बोला है तो कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा इसका। तो इसका जो डायरेक्शन होता है बड़े अजीब तरीके से निकाला जाता है। इसका डायरेक्शन निकालने का जो तरीका है वो बड़ा ही अजीब सा है। ठीक है, तो वो डायरेक्शन निकालने का जो मेथड है वो आपको याद करना पड़ेगा, मैं लिखा देता हूं। इसमें डायरेक्शन जो है वो राइट हैंड थंब रूल से दिया जाता है। हम क्या करते हैं डायरेक्शन निकालने के लिए, हम अपनी उंगलियों को
पार्टिकल जिधर जा रहा है उस डायरेक्शन में घुमाते हैं, कर्ल कर, जिधर पार्टिकल जा रहा है तो उस डायरेक्शन में अगर हम कर्ल करते हैं तो अंगूठे का डायरेक्शन जो होगा, जो भी अंगूठे का डायरेक्शन होगा वो वेक्टर डी थीटा का डायरेक्शन होगा। डी थीटा का डायरेक्शन जो होता है वो जिस प्लेन में पार्टिकल घूम रहा है ना उसके पर, जैसे मान लो अगर ऐसे घूम रहा है तो उस डायरेक्शन में हम लोग घुमाएंगे तो अंगूठा ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो डी थीटा का डायरेक्शन जो होगा वो इसी तरह निकालते हैं कि पार्टिकल के जिधर भी पार्टिकल जा रहा है पार्टिकल के मोशन के डायरेक्शन में उंगलियों को कर्ल करेंगे तो थंब का डायरेक्शन जो होगा वो डी थीटा का डायरेक्शन होगा। इसे हम राइट हैंड थंब रूल के नाम से भी जानते हैं। मैं इसका डायरेक्शन निकालने का तरीका बता दे रहा हूं, मैं लिख दे रहा हूं इफ वी कर्ल आवर फिंगर्स, ध्यान रहे राइट हैंड होना चाहिए, मैं लिख भी दे रहा हूं राइट हैंड, बहुत बार बच्चे लेफ्टी होते हैं तो लेफ्ट हैंड से करेंगे तो उल्टा हो जाएगा वो, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं होता है कि हमेशा राइट हैंड यूज करते हैं, तो वही आ रहा है कि इफ वी कर्ल आवर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इफ वी कर्ल आवर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी देन द डायरेक्शन ऑफ then the direction of thumb, direction of velocity, then the direction of thumb, direction of thumb is the direction of vector d theta. अगर हमने दाहिने हाथ को वेलोसिटी के डायरेक्शन में घुमाएं, जैसे इसे भी जा रहा है तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में दाहिने हाथ को घुमाएं तो अंगूठे का जो डायरेक्शन है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर डी थीटा। अंगूठे का जो भी डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को हम लोग वेक्टर डी थीटा का डायरेक्शन कहते हैं। ठीक है, अब जैसे डी थीटा का डायरेक्शन निकालना है कई जगहों पे काम आता है, तो जैसे मान लो इस तो आपको तो खैर बोर्ड ही दिख रहा है लेकिन इस कमरे में एक फैन भी होगा, वो घूम रहा होगा तो उसका डी थीटा किधर होगा, सोचिए जहां भी जिस भी कमरे में आप बैठे हुए वहां पे पंखा घूम रहा होगा तो उसका डी थीटा किधर आएगा, आप सोचें तो पंखा ऐसे ऐसे घूमता है तो अगर ऐसे उंगलियों को घुमाए तो डी थीटा नीचे की तरफ होगा। आपके कमरे में एक वॉल क्लॉक होगी, घड़ी होगी, दीवार घड़ी होगी, उस दीवार घड़ी का डी थीटा किधर आएगा, अंदर की दीवार के अंदर की तरफ आएगा कि बाहर की तरफ आएगा, अंदर की तरफ आएगा, दीवार घड़ी ऐसे घूमती मान लीजिए सामने की दीवार पर लगी ऐसे घूम रही, उंगलियां घुमाएंगे तो अंगूठा अंदर की तरफ जाएगा। तो कुल मिला के जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में उंगलियों को कर्ल करने पर जिधर अंगूठा जाता है वही वेक्टर डी थीटा का डायरेक्शन होता है। अब एक कई बार बच्चे ये भी सवाल पूछते हैं कि ये वेक्टर डी थीटा जो है वो वेक्टर क्यों है, तो भाई वेक्टर उस क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं जो वेक्टर अलजेब्रा के लॉज को फॉलो करती है, ठीक है, उसी को वेक्टर कहते हैं। तो डी थीटा जो स्मॉल एंगल होता है वो वेक्टर अलजेब्रा के लॉ, जैसे आपसे कोई कहे कि भाई फोर्स वेक्टर क्यों है, तो फोर्स वेक्टर इसलिए है क्योंकि फोर्स वेक्टर के लॉज को फॉलो करता है। डायरेक्शन तो करंट में भी होता है लेकिन करंट वेक्टर नहीं होता है, तो वेक्टर तो वही होगा ना जो वेक्टर अलजेब्रा के लॉज को फॉलो करेगा, तो डी थीटा जो है ये वेक्टर अलजेब्रा के लॉज को फॉलो करता है इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। यूनिट ये भी मतलब एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका यूनिट जो है वो रेडियन होता है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं इसके बारे में यूनिट ऑफ वेक्टर डी थीटा इज रेडियन, आरईडी लिखते हैं, पूरा रेडियन भी लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद एक इसी के नीचे आता है, इसी के बाद एक आता है फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये मैं बताने जा रहा हूं। फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसको हम डेल्टा थीटा से दिखाते हैं, फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है उसको हम डेल्टा थीटा से दिखाते हैं। ये स्केलर क्वांटिटी होती है और इसकी डेफिनेशन क्या है, जैसे मान लेते हैं यहां पर कोई पार्टिकल है, ए है ये बी है, ठीक है ये ओरिजिन है, तो इसका पोजिशन वेक्टर जो है फाइनाइट टाइम इंटरवल में जितना एंगल, जैसे मान लो पार्टिकल यहां से यहां पहुंच गया तो मतलब फाइनाइट टाइम का मतलब बहुत छोटा टाइम नहीं होना चाहिए, बहुत स्मॉल टाइम नहीं होना चाहिए, फाइनाइट टाइम में पोजीशन वेक्टर जितना एंगल स्वीप आउट करता है उसे हम फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, तो यहां मैं लिख दे रहा हूं द एंगल स्वेप्ट बाय, एंगल स्वेप्ट बाय पोजीशन वेक्टर
एंगल स्वेप्ट बाई पोजिशन वेक्टर इन एंगल स्वेप्ट बाई पोजिशन वेक्टर इन फाइनाइट टाइम इंटरवल इज फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगल स्वेप्ट बाय पोजिशन वेक्टर इन फाइनाइट टाइम इंटरवल इज फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, फाइनाइट टाइम इंटरवल में जितना एंगल वो स्वीप आउट करता है उसे हम फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है और इसका यूनिट होता है रेडियन. लिख देता हूं मैं, इट इज स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इज रेडियन. एंगल स्वेप्ट बाय पोजिशन वेक्टर इन फाइनाइट टाइम इंटरवल इज फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. इट इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इज रेडियन. एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका यूनिट जो होता है वो रेडियन होता है. याद करो बच्चों, जब आपको वेलोसिटी बताई थी, जब कभी काइनेमेटिक्स पढ़ाया था मैंने, तो जब वेलोसिटी बताई थी तो दो तरह की वेलोसिटी बताई थी ना, एक एवरेज वेलोसिटी और एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. तो उसी तर्ज पे हम एंगुलर वेलोसिटी को भी डिफाइन करते हैं. एंगुलर वेलोसिटी अगर आपसे बोला जाता है तो उसका मतलब वो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की बात करता है. तो एंगुलर वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी जो होती है, इसका सिंबल है वेक्टर ओमेगा, जिसको ओमेगा से दिखाते हैं. और इसकी जैसे वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या थी, वेलोसिटी की डेफिनेशन थी रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए बताओ, अगर वेलोसिटी थी रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होना चाहिए, रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो जो एंगुलर वेलोसिटी आएगी वो रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगी. तो अब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो रेट है उसे हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं. तो मैं यहां पर डिफाइन कर रहा हूं, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो रेट ऑफ चेंज है उसे हम लोग एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं. और इसको वेक्टर ओमेगा से दिखाते हैं, और वेक्टर ओमेगा जो है वो डी थीटा बाई टीटी होता है. यूनिट इसका होगा रेडियन पर सेकेंड, यूनिट रेडियन पर सेकेंड होगा. रेडियन का कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो इसका जो डायमेंशन होगा वो एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन होगा. है तो वेक्टर क्वांटिटी मैं लिख देता हूं, यूनिट इज रेडियन पर सेकेंड. और अगर आपसे कोई कहे कि नहीं भाई ओमेगा का डायमेंशन बताओ, तो ओमेगा का डायमेंशन आएगा एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन. टी माइनस क्यों, क्योंकि पर सेकंड है ना, तो रेडियन का कोई डायमेंशन होता नहीं, सेकंड का टाइम होता है, तो ऊपर जाके टी माइनस वन हो जाएगा. ओमेगा एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जैसा कि इसके ऊपर तीर भी लगा रखा है उससे भी पता चल रहा है, और वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका डायरेक्शन वही होता है जो डी थीटा का डायरेक्शन होता है. वेक्टर डी थीटा का जो डायरेक्शन है वही ओमेगा का डायरेक्शन होता है. तो मैं इस बात को नोट भी कर दे रहा हूं, लिख दे रहा हूं, नोट डाल के लिखता हूं, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ओमेगा इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ओमेगा इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर डी थीटा. वेक्टर ओमेगा का डायरेक्शन वही होता है जो वेक्टर डी थीटा का डायरेक्शन होता है. वेक्टर डी थीटा का डायरेक्शन और वेक्टर ओमेगा का डायरेक्शन जो होता है वो सेम होता है. ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ओमेगा इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर डी थीटा. रेडियन पर सेकंड इसका यूनिट होता है. अब जैसे ये पंखा घूम रहा है, आपको दिख नहीं रहा है, पर आपके कमरे में कोई पंखा ऐसे छत पे घूम रहा होगा ना. ठीक है, हो सकता है ठंड का महीना हो, अभी इस समय आप जब देख रहे हो तो पंखा नहीं घूम रहा हो, लेकिन जब भी पंखा घूमेगा तो उसका जो ओमेगा आएगा वो नीचे की तरफ आएगा. जिधर डी थीटा का डायरेक्शन है वही ओमेगा का डायरेक्शन है. या सामने दीवार पे जो घड़ी लगी है वो ऐसे घूम रही है, क्लॉकवाइज ही घूमती है, तो उसका जो ओमेगा अंदर की तरफ आ जाएगा. ठीक है, तो
जिधर डी थीटा का डायरेक्शन जो मैंने निकालना आपको सिखाया था वही ओमेगा का डायरेक्शन भी होता है, अलग से इसके अंदर कोई और बात नहीं करनी है आपको, ठीक है। एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और जो काम वहां वेलोसिटी किया करती थी उस जगह पे ये काम यहां पर एंगुलर वेलोसिटी करती है। अब एंगुलर वेलोसिटी जो है, जैसे वहां पे हमने आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफाइन की थी, एवरेज वेलोसिटी डिफाइन की थी, तो उसी तरह से हम यहां एवरेज एंगुलर वेलोसिटी भी डिफाइन करने जा रहे हैं। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एवरेज, ठीक है। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी अगर हमें डिफाइन करनी है तो हम इसको ऐसा डिफाइन करेंगे कि जैसे मान लीजिए पार्टिकल है, ये उसका पोजीशन वेक्टर है, ये ओरिजिन है, ए से बी पे पहुंचा, तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ मान लो डेल्टा थीटा हो गया, तो डेल्टा थीटा अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ तो ओमेगा एवरेज जो है उसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा थीटा जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और डेल्टा टी जो है वो फाइनाइट टाइम है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, क्योंकि डेल्टा थीटा स्केलर होता है, डेल्टा टी तो स्केलर है ही, डेल्टा थीटा भी स्केलर होता है, इसलिए ओमेगा एवरेज जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो जो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी या ओमेगा एवरेज, ये तीन मैंने गलत लगा दिए हैं, वेक्टर नहीं लगाना चाहिए था। तो जो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी है वो स्केलर क्वांटिटी है और इसका यूनिट भी रेडियन पर सेकंड है, लिख देता हूं मैं, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड यूनिट इज रेडियन पर सेकेंड, यूनिट रेडियन पर सेकेंड है। और ओमेगा एवरेज का अगर मुझसे कोई डायमेंशन पूछे तो रेडियन पर सेकेंड का डायमेंशन तो वही आएगा m0 l0 t-1, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एवरेज एंगुलर वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन कर लेते हैं। जैसा कि भाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बता दिया आपको, एंगुलर वेलोसिटी दिखा दी, तो अब ऑब्वियसली नंबर किसका, एंगुलर एक्सेलेरेशन का ही है। तो जैसे वहां भी जब मैंने एक्सेलेरेशन आपको काइनेमेटिक्स में डिफाइन करवाया था तो ये बताया था कि दो तरह के एक्सेलेरेशन होते हैं, एक इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन और एक एवरेज एक्सेलेरेशन। तो उसी तर्ज पे मैं यहां पर दो एंगुलर एक्सेलेरेशन डिफाइन करूंगा, एक इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलेरेशन और एक एवरेज एंगुलर एक्सेलेरेशन। तो ये मैंने बोर्ड पे जो लिखा हुआ है ये इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलेरेशन है अल्फा। एक्सेलेरेशन की डेफिनेशन याद करो, एक्सेलेरेशन की डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अब एंगुलर एक्सेलेरेशन की डेफिनेशन उसी तर्ज पे तुम बना सकते हो, बनाओ अल्फा की डेफिनेशन जो है उसी तर्ज पे बना सकते हो आप, बिल्कुल अल्फा की डेफिनेशन कुछ लोगों ने मन में बना भी ली होगी। अल्फा जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज है। अल्फा को हम लोग जब गणित से दिखाएंगे तो डी ओमेगा बाई डी टी दिखाएंगे, ठीक है, देखेंगे। तो वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी है ये, और इसका यूनिट जो है ये है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, यूनिट है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। और अगर मैं अल्फा का डायमेंशन लिखूं तो अल्फा का डायमेंशन होगा m0 l0 t-2, ये अल्फा का डायमेंशन हो जाएगा, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ अल्फा विल बी इक्वल टू m0 l0 t-2, ये अल्फा का डायमेंशन हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। अल्फा का डायरेक्शन किधर होगा, तो कई लोग ऐसा सोच लेते हैं कि अल्फा का डायरेक्शन वही होगा जो ओमेगा का होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं सही है। अल्फा का डायरेक्शन डी ओमेगा का डायरेक्शन है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जैसे वहां पे याद करो, वेलोसिटी अगर एक्सेलेरेशन वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी बढ़ती थी, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में होते थे तो वेलोसिटी घटती थी। तो यहां भी वही चीज है कि अगर ओमेगा बढ़ रहा है तब तो
डी ओमेगा पॉजिटिव आएगा और अल्फा ओमेगा के डायरेक्शन में होगा, और अगर ओमेगा घट रहा है तो अल्फा जो होगा वो ओमेगा के अपोजिट डायरेक्शन में हो सकता है। तो अल्फा का डायरेक्शन ओमेगा का डायरेक्शन नहीं है, बल्कि अल्फा का डायरेक्शन डी ओमेगा का डायरेक्शन है। जिधर ओमेगा में बदलाव हो रहा है, अगर ओमेगा बढ़ रहा है तब तो अल्फा और ओमेगा का डायरेक्शन सेम होगा, और अगर ओमेगा घट रहा है तो अल्फा और ओमेगा का डायरेक्शन वो अपोजिट होगा। तो इस बात को मैं लिख दे रहा हूं, इफ अल्फा एंड ओमेगा आर इन सेम डायरेक्शन, अल्फा एंड ओमेगा आर इन सेम डायरेक्शन, देन ओमेगा इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा, मतलब अल्फा ओमेगा अगर सेम डायरेक्शन में है तो ओमेगा बढ़ रहा होगा, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो ओमेगा घट रहा होगा। ठीक है, ये मतलब इसके डायरेक्शन से जुड़ी बात हो गई। अब दूसरा इसके अंदर आता है एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, सेम उसी तर्ज पे एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन जो है इसको मैं अल्फा एवरेज से दिखाता हूं, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। एवरेज एक्सेलरेशन की डेफिनेशन याद करें, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा बताओ, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो ये अल्फा जो एवरेज आएगा, अल्फा एवरेज जो आएगा ये बराबर आएगा डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी, यानी चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी मैं बोल सकता हूं ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम जो है वो टोटल टाइम हो जाएगा। अब चूंकि ऊपर वाली चीज वेक्टर है तो अल्फा भी वेक्टर होगा, और ये अल्फा जो है इस वेक्टर क्वांटिटी है, इसका भी यूनिट रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इज रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, यूनिट रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है। और डायमेंशन अगर मैं इसका लिखना चाहूं अल्फा एवरेज का, तो अल्फा एवरेज का जो डायमेंशन होगा वो एम जीरो एल जीरो टी माइनस टू होगा। अल्फा एवरेज का डायमेंशन एम जीरो एल जीरो टी माइनस टू के बराबर आ जाएगा। सर्कुलर मोशन को और अच्छे से समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सर्कुलर मोशन को दो कैटेगरी में बांट लेते हैं, दो तरह के सर्कुलर मोशन बना लेते हैं, तो सर्कुलर मोशन ही दो तरह का सर्कुलर मोशन हम बना लेते हैं। एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की पहचान ये है कि जैसे मान लो कि पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, और अगर सर्कल में घूम रहा है और घूमते समय इसकी जो स्पीड है, स्पीड अगर कांस्टेंट है तो ऐसा मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहा जाता है। ठीक है, लिखो, लिखता हूं मैं, इन दिस टाइप ऑफ मोशन, दिस टाइप ऑफ मोशन स्पीड ऑफ द पार्टिकल, दिस टाइप ऑफ मोशन स्पीड ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स कॉन्स्टेंट, दिस टाइप ऑफ मोशन स्पीड ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स कॉन्स्टेंट। इस तरह के मोशन में पार्टिकल की जो स्पीड होती है वो कॉन्स्टेंट रहती है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ मोशन स्पीड ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स कॉन्स्टेंट, पार्टिकल का स्पीड कॉन्स्टेंट रहता है। तो अब स्पीड कांस्टेंट रहता है तो क्या वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगा, नहीं वेलोसिटी नहीं कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जैसे मान लो यहां पे है पार्टिकल, तो डायरेक्शन ये है वेलोसिटी का, यहां पे आए तो वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल गया, तो स्पीड कांस्टेंट रहेगी लेकिन वेलोसिटी तो कांस्टेंट रह ही नहीं सकती क्योंकि डायरेक्शन लगातार बदलता रहता है। अच्छा, स्पीड कांस्टेंट रहती है इसकी, तो इसके अंदर क्या होता है कि स्पीड कांस्टेंट होने की वजह से जो इसका एंगुलर वेलोसिटी होती है वो भी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो इसका स्पीड कांस्टेंट रहेगा, और स्पीड कांस्टेंट रहेगा तो हम इसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, दूसरा इसके अंदर एक आता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन,
ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर जो मोशन होता है वो बस जैसे यूनिफॉर्म के अंदर क्या था, स्पीड कांस्टेंट रहती थी, तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो ये मैं लिख देता हूं, इन दिस मोशन स्पीड ऑफ द पार्टिकल वेरीज, स्पीड ऑफ द पार्टिकल वेरीज विद टाइम। ठीक है, इन दिस मोशन लिखना भूल गया था मैं यहां, स्पीड ऑफ द पार्टिकल वेरीज विद टाइम। स्पीड बदलेगी तो फिर भी स्पीड बदलेगी तो एंगुलर वेलोसिटी बदलेगी, फिर एंगुलर एक्सेलरेशन वगैरह भी आएंगे, तो वो सब चीजें हम लोग ये रिलेशन है वो पढ़ेंगे। लेकिन मोटा मोटा दो टाइप के सर्कुलर मोशन होते हैं, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है और एक नॉन यूनिफॉर्म। मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से जुड़े होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होता है उससे जुड़े हुए भी सवाल आए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन यूनिफॉर्म से जुड़े होते हैं।